मान्यता है भगवान कृष्ण भगवान राम के पुत्र महाराज कुश के नाम पर इस नगरी को बसाया गया था और ये भी मान्यता है कि बजरंगबली ने कालनेमी का वध यहीं पर किया था और हमारा प्रत्याशी भी बजरंगी ही है। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी सुल्तानपुर का बहुत बड़ा योगदान था। भारत की स्वाधीनता के लिए, भारत की आन मान और शान की रक्षा करने के लिए हमारे देश के जिन महान क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान किया था उसमें सुल्तानपुर कभी पीछे नहीं रहा। सुना होगा ना क्या क्या गाली दे रहा था। अब इन समाजवादियों को यही इनका संस्कार है और थूक करके चाटने का इनकी आदत है। गाली भी देता था, उसके बाद नाक भी रगड़ता था। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, पिछली बार चूके थे, इस बार चूकना मत। तैयार है ना? बजरंगी को जिंदा के भेजेंगे भारी वोटों से। दोनों हाथ मिला करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक आवाज जा रही है दोनों हाथ मिला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकता था, प्रदेश तो वही है, प्रशासन भी वही है, आय के स्रोत भी वही है, लेकिन क्यों सरकार बदलने से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, विकास कई गुना तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, गरीबों को राशन फ्री, रसोई गैस फ्री, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा, अन्नदाता किसानों के लिए ऋण माफी की कार्रवाई हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सभी कार्य समान रूप से चल रहे हैं। और अभी तो हमने तय किया है, अभी हमने तय किया है कि हर कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को स्कूटी फ्री में देंगे। अभी हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी तो होली और दीपावली पे एक एक भरा हुआ रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में देंगे उज्ज्वला, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास का भाव के पीछे भी उद्देश्य यही है। हम योजनाओं को देने में कोई भेद नहीं करेंगे। कोरोना कालखंड है, कोरोना में आपने देखा होगा पूरी दुनिया पस्त है, कोरोना के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोग मरे, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य हुआ आज वो देखने को मिल रहा है। व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी बचाना है। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर में तो तमाम प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे, उन्होंने देखा होगा दिल्ली से उनको भगाया गया, अन्य राज्यों से उनको हटाया गया, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर आए हमने वहां पर अपने परिवहन निगम की बस लगा के रखी थी, भोजन की व्यवस्था करके रखी थी, हमने कहा ये हमारे लोग हैं और इनकी सुरक्षा करना, इनकी सेवा करना हमारा दायित्व है और हमने उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। मैं वैक्सीन सबको मिली, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है, कितने लोगों ने ली, तो पीछे जो लोग बैठे वैक्सीन नहीं लिए, वो भी ले
ले लिए, सब लोग ले लिए ना, ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा था, ये फ्री में मिली थी ना। अगर 17 के पहले होता, सपा बसपा का कार्यकाल होता ना, ये वैक्सीन मार्केट में ब्लैक हो जाती। उनके नेता, उनके गुर्गे सारे वैक्सीन भेज देते, जनता ठगी की ठगी रह जाती। भाइयों बहनों, हमने आज तक 28.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दे दी हैं और एक भी वैक्सीन की कोई सिक्की बार जब सरकार बनेगी भाइयों बहनों, तो 60 साल से ऊपर की सभी माताओं को, बहनों को फ्री में परिवहन निगम की बस में यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। अभी सरकार ने यह भी तय किया है कि सरकार अब जब बनेगी, अगले 5 वर्ष के अंदर ऐसी स्थिति पैदा करेंगे, किसी किसान को ट्यूबवेल का बिल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फ्री में। सरकार ने यह भी तय किया है कि हर नौजवान को, अब तक हमने नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया, लेकिन आने वाले 5 वर्ष में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पिछड़ा नहीं होगा, फिसड्डी नहीं होगा, पहचान का संकट नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के नौजवान के लिए, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के नौजवान के लिए वर्तमान में 1 करोड़, चाहे वह स्नातक या प्रास्नातक वाला छात्र हो, वह नर्सिंग या पैरामेडिकल का हो, या फार्मेसी का, या मेडिकल या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोर्स कोई व्यक्ति नौजवान कर रहा है, इन सभी को टैबलेट और स्मार्टफोन वर्तमान में सरकार दे रही है।